हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं एक इंडो चाइनीज़ स्पेशल चाइनीज़ डोसा या नूडल्स डोसा। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये डोसा बैटर और ये नमक, हम लोग डोसे के बैटर में नमक मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये बॉयल्ड नूडल्स है, ऑयल है, धनिया पत्ती, शिमला मिर्च, गाजर, बारीक कटा प्याज, बंदा गोभी। फिर उसके बाद ये है बटर, ये है टमाटो केचप, ये है रेड चिली सॉस और ये है शेजवान सॉस, सोया सॉस, विनेगर, कुछ लहसुन की कलियाँ, कुटी काली मिर्च। अब सबसे पहले मैं डोसे के बैटर में नमक मिला लूँगी। ये होममेड डोसा बैटर है, आप अपने घर का भी यूज़ कर सकते हो या मार्केट से परचेस करके भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। मैंने नमक मिक्स किया है, नमक मिक्स करके मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी नमक डाल के, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने नमक नहीं मिलाया था, जस्ट ग्राइंड करके रख दिया था। अब मैं इसको साइड में रख दूँगी। अब मैं बनाऊँगी नूडल्स। उसके लिए मैंने कढ़ाई रखा है, गैस ऑन किया है। अब मैं इसमें अराउंड 2 स्पून जितना ऑयल डालूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, लहसुन को बारीक बारीक काट के मैं इसमें डालूँगी। उसके बाद मैं प्याज डाल रही हूँ, इसको हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा चलाना है। उसके बाद मैंने डाला है बारीक कटा गाजर, बारीक कटी शिमला मिर्च, बंदा गोभी। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे सब्जी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, या अगर आपको कोई एक हाथ सब्जी स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अगर कोई सब्जी ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने इसमें डाला है कुटी काली मिर्च डाल के मैंने इसमें डाला है रेड चिली सॉस, फिर उसके बाद टमाटो केचप। अब उसके बाद मैं डाल रही हूँ शेजवान सॉस। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करके अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सोया सॉस। सारे सॉस मैं 1 स्पून यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स। नूडल्स ये नॉर्मल है, जो नॉर्मली मिलते हैं मार्केट में, वही वाले नूडल्स हैं। मैंने जस्ट इसको बॉईल करके रख लिया था। अब मैं इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ विनेगर, वाइट विनेगर, ये भी अराउंड 1 स्पून है, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब मेरे नूडल्स बन गए हैं, इसको मैं रख रही हूँ साइड में। अब मैंने डोसे के लिए पैन रखा है, पैन गरम किया है और थोड़ा सा पानी छिड़का है। छिड़कने से तवे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, डोसा अच्छे से बनता है, तवे से चिपकता नहीं। अभी मैंने इसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया है। क्लीन करके अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ डोसे का बैटर। आप यहाँ पर नॉनस्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हो, आयरन वाली तवा भी यूज़ कर सकते हो, जो आपके पास है वो यूज़ करना। अब मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसको पकने दूँगी। पकने के बाद इसी के ऊपर मैं सॉस और बटर और नूडल्स डालूंगी। अब डोसा थोड़ा सा पक गया है, मैंने इसके ऊपर डाला 1 स्पून बटर और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ शेजवान सॉस। इसमें मैंने 1/2 स्पून पानी मिक्स किया था, ताकि ये इवनली अच्छे से स्प्रेड हो जाए। शेजवान सॉस भी 1 स्पून है। मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। स्प्रेड करके मैं इसको थोड़ा सा पकने दूंगी सॉस और बटर के साथ। जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा, फिर मैं इसके ऊपर नूडल्स डालूंगी। नूडल्स आप पहले से बने हुए भी यूज़ कर सकते हो, जैसे लेफ्ट ओवर नूडल्स है। अगर आपके पास नूडल्स बने हुए हैं, वेजिटेबल कटा हुआ है, तो आपका डोसा विद इन 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर नूडल्स डाल रही हूँ। नूडल हमें सेंटर में डालना है, पूरे डोसे पर स्प्रेड नहीं करना है। अगर हम लोग सेंटर में डालेंगे तो फोल्ड इजीली हो जाएगा। ये डोसा बच्चों को स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नूडल तो उनका फेवरेट रहता ही है, साथ में डोसा भी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। का ही एक वर्जन है। स्प्रिंग रोल में हम लोग रोटी यूज़ करते हैं, मैदे की रोटी पतली वाली। यहाँ पे मैंने डोसे का बैटर यूज़ किया है। इसमें ना चटनी की आवश्यकता है ना सांभर की। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी है। आप भी इसे बनाइए, ट्राई करिए और बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।